अब सीखे आज हम फाइल के बारे में कि फाइल क्या होती है। तो देखिए फाइल के लिए जैसे हमने पढ़ा था कि फाइल मीन्स एन ऑब्जेक्ट विच कंटेन ऑल डेटा, ठीक है, विच कंटेन ऑल डेटा जिसमें हमारा डेटा हो सकता है। अब डेटा किस शक्ल में मिलेगा हमें, जैसे टेक्स्ट फाइल की सूरत में मिलेगा, डॉक्यूमेंट की सूरत में हो सकता है, वर्कशीट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ फाइल हो सकती है। इसके अलावा इमेजेस की अगर बात करें, इमेजेस के अंदर जो फाइल की टाइप है वो है जेपीईजी, जेपीईजी फाइल हो सकती है, जेपीजी या जेपीईजी, या फिर पीएनजी फाइल हो सकती है, या गिफ फाइल हो सकती है, या टिफ फाइल हो सकती है, या टीएनजी फाइल हो सकती है। ये डिफरेंट फाइल्स के टाइप्स हैं जिसके अंदर हमारे फोटोज हो सकते हैं। वर्कशीट की बात करें तो यहाँ पर एक्सएलएक्सएक्स, एक्सएलएस या फिर एक्सएलएक्स, एक्सएलएसएक्स के नाम से फाइल्स होती है। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो डॉक्स या डॉक या डॉक्स के नाम से फाइल हो सकती है। ये मुख्तलिफ फाइल्स के टाइप है। अगर टेक्स्ट फाइल की बात करें तो इन फाइल को हम कहते हैं डॉट टीएक्सटी, टेक्स्ट फाइल कहलाती है, सिंपल टेक्स्ट फाइल जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि सिंपल टेक्स्ट फाइल क्या होती है। सिंपल टेक्स्ट फाइल यानी कि सिंपल टेक्स्ट फाइल यानी कि व्हिच फाइल दैट कैन स्टोर टेक्स्ट मींस लेटर्स, सिंबल्स, नंबर्स, वर्ड्स, पैराग्राफ, ठीक है, यानी कि एक ऐसी फाइल जो आपका डेटा स्टोर कर सकती है टेक्स्ट के फॉर्म। अब देखिए फोल्डर के अंदर एक प्रॉब्लम ये था कि फोल्डर का काम है फाइल्स को स्टोर करना, फोल्डर को स्टोर करना, लेकिन उसके अंदर कुछ लिख नहीं पा रहे थे, कुछ टाइप नहीं कर पा रहे थे। स्कूल बैग में आप कॉपीज तो रख सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं, लेकिन उसमें लिख नहीं सकते। उसके लिए या तो बुक चाहिए, या कॉपी चाहिए, जर्नल चाहिए। तो ये टेक्स्ट फाइल हमारा ये मसला हल करेंगे जिसके अंदर कुछ टाइप कर सकते हैं। तो देखिए इसको किस तरह से बनाते हैं, चेक करते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर हम जिसपे फाइल बनाने जा रहे हैं, तो फाइल याद रखें खुद से नहीं डायरेक्ट क्रिएट होगी, किसी सॉफ्टवेयर में क्रिएट होगी। जिस सॉफ्टवेयर में फाइल बना रहे हैं वो है नॉट पैड। ये समझने के लिए अलग है, इसका फ्यूचर में आपका कोई प्रोफेशनल में इतना लाइफ में इतना यूजेज नहीं, लेकिन एक बिगनर पे कि आप कैसे एक फाइल को हैंडल कर सकते हैं उसके लिए आपको बताया जा रहा है, ताकि आप आगे जितने भी सॉफ्टवेयर पर फाइल बनाएंगे उसी तरह से काम करें। ये जब मैं फोल्डर खोला और इसमें मुझे एक टेक्स्ट फाइल बनानी है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसका राइट बटन दबा रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ व्यू में, और व्यू से क्लिक कर रहा हूँ एक टेक्स्ट फाइल के ऊपर। देखिए फोल्डर यहाँ बना रहे थे, एक टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से जैसे हम टेक्स्ट फाइल की क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगी जिसका नाम है न्यू टेक्स्ट का, और इसकी जो आगे डॉट टीएक्सटी देख रहे हैं ये इसकी टाइप है, यानी कि ये टेक्स्ट फाइल है। आप इसका नाम चेंज कर लें, जैसे आपने इसका नाम रख लिया सर दोस्तों भी कंप्यूटर, तो ये एंटर करने पर एक कंफर्म हो गया इसका नाम। अब एक और फाइल बना रहे हैं, इसके अंदर न्यू में जा रहे हैं और यहाँ पे बना रहे हैं टेक्स्ट फाइल, और इसको लिख रहे हैं सपोज टू बी इंग्लिश, तो ये इंग्लिश के नाम पे वाली फाइल बन गई। तो टेक्स्ट किसी भी नाम से आप एक फाइल बना सकते हैं, उसे भी यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको खोलेंगे कैसे, इसके भी दो तरीके, राइट बटन दबा के ओपन कर लें या फिर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लें। ये एक फाइल खुल गई है, इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस फाइल में जिस सॉफ्टवेयर में ये फाइल बनी है उस सॉफ्टवेयर का नाम है नॉट पैड। ये देखिए इसका इंटरफेस का इंटरक्शन है नॉट पैड का, ये इसका टाइटल बार है, टाइटल बार जिसमें सॉफ्टवेयर का नाम भी नजर आ रहा है, इस फाइल का नाम भी नजर आ रहा है, और इसकी टाइप भी नजर आ रही है टीएक्सटी, और ये कंट्रोल बॉक्स भी आ रहा है। उसके नीचे ये मेन्यू बने हुए, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू, सारे मेन्यूज बने हुए हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि फाइल मेन्यू में जो कमांड है वो न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, ये डिफरेंट कमांड्स हैं, और ये जनरल कमांड्स हैं, ये आपको हर सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगी। अगर आप इसे अच्छी तरह समझ लेंगे तो किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो एडिट में कुछ कमांड्स हैं जो इसमें नजर आ रही है, फॉर्मेट में कुछ कमांड्स हैं जो इसमें नजर आ रही है, और ये सारी जनरल कमांड्स, और सारे सॉफ्टवेयर में जितने भी कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर बन रहे हैं आज तक उनमें कमांड सेम है, और उनमें इनका ऑपरेशन और एक्शन भी सेम ही है, तो उसको आप समझने की जरूरत है। उसके नीचे आएंगे तो ये इसका टेक्स्ट एरिया है जिसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं निशान ब्लिंक कर रहा है इसको कहते हैं कर्सर, कर्सर कहते हैं इसको, कर्सर, कर्सर एक इंडिकेटर होता है जिसको कहते हैं टेक्स्ट इंडिकेटर, टेक्स्ट इंडिकेटर मतलब ये क्या कर रहा होता है, ये आपको बता रहा होता है कि यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, जहां पर ये निशान नजर आएगा वहां पर आप टाइप कर सकेंगे, और ये जो दूसरा निशान है माउस के साथ आ रहा है ये माउस पॉइंटर है, और ये जो इस पे आई बना हुआ है इट मीन्स ये कह रहा है कि यहाँ पे क्लिक करें तो आप टाइप कर सकते हैं, और ये जो माउस आ रहा है तो यहाँ पे किसी कमांड को एक्सिक्यूट कर सकते हैं।
तो ये माउस पॉइंटर के भी कुछ इंडिकेशन होते हैं। अब यहाँ पे टाइप करने का तरीका क्या है, कुछ भी टाइप करें कीबोर्ड से, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्विक कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड मशीन, तो इसका जो मैक्सिमाइज कर लेते हैं इसको ताकि थोड़ा हमें सामने समझ में आ जाए, यहाँ पे क्लिक करते हैं ये लिखिए। अब यहाँ पे लाइन चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, एंटर का बटन दबाएंगे ईच एंड एवरी टाइम, जब भी आपको एक न्यू लाइन चाहिए तो आपको एंटर का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है, ठीक है। तो एंटर का बटन कीबोर्ड आपको पता है ये कहाँ पर होता है, इस वाले बटन को दबाएंगे तो एक न्यू लाइन आ जाएगी, देखिए मैंने दबाया कीबोर्ड से एंटर, तो ये आप नोट भी करेंगे एंटर, तो ये यहाँ से एक नई लाइन उतर जा रहा है, तो न्यू लाइन। और मिटाने के लिए बैक स्पेस का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, तो अभी चीज मिटानी होती है, तो ये हमने टाइप किया। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने जो टाइप किया क्या ये सेव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसके लिए निशान यहाँ पे आप नोट करेंगे कि यहाँ पर मैं मैग्नीफायर को भी दिखाना हो, या टाइटल बार में आप देखेंगे एक निशान आ रहा है, इसका स्टैरिक बना हुआ है, स्टैरिक इसका मतलब अभी जो आपने टाइप किया वो सेव नहीं हुआ है। तो आप सेव कैसे करेंगे, ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप इसको कोई चेंजेस करेंगे उसको सेव करने के लिए फाइल के मेन्यू में जाएंगे और क्या करेंगे सेव करेंगे, जैसे सेव करेंगे स्टैरिक का निशान गायब हो जाएगा, इट मीन्स कि अब यहाँ तक का काम तो आपका सेव हो चुका है। अब चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब आप कोई और लाइन ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, जैसे मैंने ऐड किया कंप्यूटर कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑपरेशन इन वन टाइम ऑपरेशन इन नो टाइम, ठीक है, इन नो टाइम। तो ये हमने एक स्टेटमेंट लिखी, तो यहाँ पे लिखने के बाद अब क्या ये स्टेटमेंट मेरी सेव हुई है नहीं, तो ये देखिए स्टैटिक का निशान बता रहा है सेव नहीं हुई है, तो मुझे ये इंडिकेट कर रहा है और मैंने इसको फाइल में जाकर जैसे ही इसकी कमांड सेव की तो ये इसने कहा कि हाँ अब ये सेव हो चुका है। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पर कोई चीज लिखी थी और लिखने के बाद उसको मैंने सेव किया और सेव होने के बाद वो कन्फर्म हो गया और फिर मैंने उसको मिटा दिया, तो मिटाने के बाद भी वो स्टैटिक का निशान आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक चेंज हुआ ना, मैंने इसको चेंजेस किए, तो ये कह रहा है कि ये काम सेव नहीं हुआ, तो मैंने इसको दोबारा कर दिया सेव। अब उस सेव का क्या मतलब है, सेव का मतलब ये कि भाई अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ बाहर आ जाता हूँ नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपना ये फोल्डर में जाके उस फाइल को ओपन करूंगा तो उसमें वो तमाम चीजें जो मैंने अभी टाइप की है वो उसमें पहले से मौजूद होगी, तो ये चीज हमें फोल्डर में नहीं कर सकते, और ये काम हम कर सकते हैं फाइल, और फाइल हमने बनाई है एक नोटपैड के सॉफ्टवेयर में जिसको हम कहते हैं सिंपल टेक्स्ट फाइल, और उसके बाद स्टोर कर दिया, तो इस तरह से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो कमांड है, एक है सेव दूसरी है सेव एज, सेव और सेव एज में क्या फर्क है, लेकिन ये बेसिक ऑपरेशन में फर्क है। सेव से क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम आप कोई नई फाइल बनाते हैं जैसे आपने ये फाइल बनाई है इसकी और उसमें लिखा है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है, तो ये मैंने इसको सेव कर दिया, यानी कि फर्स्ट टाइम मैंने फाइल क्रिएट की वो सेव हुई और बार बार मुझे उसको सेव करना है, यानी कि वो क्या होता जाएगा अपडेट हो जाएगा, तो अपडेट होता जाएगा इसी नेम टैग जो मैं इसके अंदर ऐड करता जाऊंगा। लेकिन सेव एज क्या काम करेगा, सेव एज जो काम करेगा पहले मैं आपको करके बताता हूँ सेव एज का कमांड क्या काम करेगा। देखिए मैंने इस फाइल पर राइट बटन दबाया और क्या किया कॉपी, फिर इसको यहाँ पर या किसी दूसरे फोल्डर में जाके मैंने क्या किया पेस्ट, क्या हुआ इसकी कॉपी क्रिएट हुई, दो कॉपीज हुई, ये अलग है ये अलग है, इसको खोला तो इसमें सब कुछ वही लिखा हुआ जो उसमें लिखा हुआ था, पर कंप्यूटर ने क्या किया इसका नाम रख दिया कंप्यूटर डैश कॉपी। अच्छा अगर इसी फाइल को मैंने किसी और फोल्डर में पेस्ट किया होता, मतलब ये कंप्यूटर के फोल्डर से हटके मैंने एक्सटर्नल ड्राइव के फोल्डर में पेस्ट किया होता तो सेम नाम से पेस्ट होती, सेम नेम से वो दोनों एक जगह पे था तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे दो फोल्डर या दो फाइल सेम नेम सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अब उसके अंदर मौजूद भी वही जो हमने उसमें टाइप किया था सेम लिखा हुआ, तो ये काम किसने किया, ये काम किया हमने कॉपी और पेस्ट से। अब आते हैं सेव एज कमांड भी यही काम करें, ये मैंने एक इंग्लिश की फाइल खोली, फाइल में गए और मैंने क्लिक किया सेव एज, तो यहाँ पे एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स मिल गया। अब वो सेम फोल्डर में खुला है जिसमें मैं मौजूद हूँ कंप्यूटर वाले में, और ये कह रहा है कि इसमें पहले से फाइल्स खोली होंगे इस नाम से, आप क्या चाह रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको एक और फाइल बनाऊ, वो कह रहा है अच्छा अपनी जो फाइल बनाऊंगा वो किस नाम से बनाऊ, तो सेम इंग्लिश के नाम से नहीं बना सकते, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जैसे हमने इसका नाम रखा इंग्लिश ग्रामर, ये हमने फाइल का नाम यहाँ टाइप करिए, इसको सजेस्ट करिए टाइप यहाँ खुद बता रहा है, ये मैंने इसको सेव किया।
आप क्लोज करेगा, अब जाके इस फोल्डर में चेक करेगा, रिफ्रेश करते हैं उसको। तो यहाँ पे दो फाइल होगी, इंग्लिश और एक इंग्लिश ग्रामर के नाम से। अब इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर के नाम से जो फाइल्स होगी उनमें क्या फर्क है? फर्क सिर्फ ये है कि इसका नाम इंग्लिश और इसका नाम इंग्लिश ग्रामर है, बाकी अंदर जो डेटा है वो सेम। तो ये काम हमारा किया आपने सेम है, वही वो कॉपी करके पेस्ट कर रहे थे, कॉपी किया पेस्ट किया दो कमांड्स इसमें एक ही से ही काम हो गया। तो सेव एज से जब भी हम किसी भी फाइल को सेव एज करेंगे इसका मतलब हम उसकी एक नई कॉपी बनाना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? एक नई कॉपी बनाना चाह रहे हैं। अब जितनी कॉपी सेव बना सकते हैं, यहाँ से हमने क्लिक किया बाय पुश पे और सेव एज, और सेव एज करके अभी हमने बनाई थी कंप्यूटर के फोल्डर पे। अगर आप वो एक्सटर्नल ड्राइव पे बनाना चाहते हैं अब क्या करेंगे? एक्सटर्नल ड्राइव का फोल्डर कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। तो पहले हम जाएंगे यहाँ से कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। ओके, डेस्कटॉप में आ गए, उसमें काफी सारे फोल्डर यहाँ नजर आ रहे हैं एक्सटर्नल ड्राइव के आगे। यहाँ पर आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं? अब हमारी चॉइस है, यहाँ पे इंग्लिश के नाम से भी सेव कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर के नाम से भी सेव कर सकते हैं, एबीसीडी के नाम से भी सेव कर सकते हैं, और उसको सेव कर देंगे तो आप देखेंगे सेम फाइल सेम डेटा के साथ उस फोल्डर में क्रिएट होगी एबीसीडी के नाम से। तो सेव एज फाइल से ये होता है कि आप एक ही फाइल को विद अनदर नेम किसी और नाम के साथ सेव कर सकते हैं, लेकिन उसका जो डेटा होगा वो सेम होगा और वो क्रिएट कर देंगे, यानी सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला ऑपरेशन सेव एज से किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद सेव हो गया। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ से न्यू। अब देखिए, एक तो आप न्यू फाइल ले रहे हो, यहाँ से राइट बटन दबा के न्यू पे यहाँ से ठीक है, वापस आपने एक नई फाइल ले ली, सपोज टू बी पाथ स्टडी के नाम से ले ली, ठीक है, ये एक नई फाइल बन गया। अब मैं चाह रहा था कि यार ये तो मेरे यहाँ से आगे किया, इसका एक दूसरा तरीका क्या होगा? तो भाई देखिए, मेरी कंप्यूटर वाली फाइल खोली, मैं ऑलरेडी इसको स्टडी कर रहा था, रीड कर रहा था, उसके काम कर रहा था। अब मैं यहीं पर रहते हुए एक न्यू फाइल लेना चाह रहा हूँ, तो फाइल में जाऊंगा, यहाँ से क्लिक करूंगा न्यू के ऊपर। जैसे मैंने न्यू किया तो इसने मुझे कहा कि अब आपके पास एक और नई फाइल आ चुकी है जिसका नाम है अनटाइटल, और वो किसी सॉफ्टवेयर का, मैंने उसका नाम रख दिया। सपोज मैं इस फाइल में क्या टाइप करना चाह रहा था, मैं यहाँ पे लिख रहा था सपोज टू बी कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। अब ये मैंने लिख लिया, अब इस फाइल को सेव कर, क्योंकि इस फाइल का कोई नाम नहीं है, इसमें अनटाइटल मतलब कोई टाइटल नहीं। फाइल में सेव पे क्लिक किया, तो जैसे सेव पे क्लिक किया तो ये कह रहा है कहाँ सेव करना चाह रहे हो बताओ, फिर वही बता रहा है कहाँ सेव करना है। भाई अगर ये कह रहा है एक्सटर्नल ड्राइव में आप मौजूद हो, गया यहाँ सेव करना है, मैंने कहा नहीं डेस्कटॉप पे जाओ, तो इसने कहा ठीक है डेस्कटॉप पर आ गया। यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, ये वही नेविगेशन है, इसको ऊपर नीचे कर लें। उसका कह रहा है कहाँ जाना है, मैंने कहा इस फोल्डर में जाओ, चलेंगे फोल्डर, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इसको कीबोर्ड के नाम से, एक फाइल सेव कर दो मेरी। तो ये देखें एक और इस तरीके से आपने न्यू फाइल बना ली कीबोर्ड, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ, इसको कहते हैं अनडू कट कॉपी पेस्ट फाइंड दिस इट। उससे पहले हम समझते हैं फॉन्ट्स के बारे में। देखिए फॉन्ट्स क्या होते हैं, FONTS, फॉन्ट्स, फॉन्ट्स फॉन्ट्स आर द राइटिंग स्टाइल्स, ठीक है। फॉन्ट्स क्या होते हैं? राइटिंग स्टाइल्स, मतलब आप जितने भी राइटिंग स्टाइल देख रहे हैं यहाँ पर या ये लिखेगा, इन सारे ये सब के सब क्या है? फॉन्ट्स है, तो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं FONTS, फॉन्ट्स। इन फॉन्ट्स को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम मॉडपैड में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि फॉर्मेट के मेन्यू में जाएंगे, फिर यहाँ से आएंगे फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे ढेरों किस्म के सैकड़ों किस्म के फॉन्ट्स के नाम है, और वो जो जिस स्टाइल में वो फॉन्ट है वो उसी स्टाइल में दिखाई भी दे रहे हैं। जैसे ये वाला फॉन्ट देखें, ये ऐसा है, इसका नाम ये है, ये ऐसा है, तो ये नाम ये है, ये देख फॉन्ट एक फॉन्ट है, बताएगा इसका सैंपल भी दिखा रहा है कि अगर आप ये वाला लेंगे तो आपके टेक्स्ट जो है, यानी कि सब टेक्स्ट इस तरह से नजर आएंगे। तो इसके हर किसी फॉन्ट के चार स्टाइल होते हैं, एक रेगुलर, ऑब्लिक, इटैलिक, रेगुलर माने सीधा, इटैलिक माने टेढ़ा, बोल्ड माने गहरा, बोल्ड इटैलिक या ऑब्लिक गहरा और टेढ़ा, ये इसके साइज। तो ये 8 पॉइंट का है, 9 पॉइंट ये दिखा रहा है, ये देखो इतना बड़ा नजर आएगा, ये ऐसा नजर आएगा, ये इस तरह से नजर आएगा, ये इस तरह से नजर आएगा, क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए आपके फॉन्ट्स वैसे हो गए। अब आपको ये सूटेबल लगते हैं ठीक है, वरना आप कोई और ले लेंगे, ऐसे फॉन्ट्स में चले जाएं। जैसे बहुत ही पुराना और फॉन्ट है जिसका नाम है एरियल, ये बड़ा पुराना फॉन्ट है, यहाँ से आप ले लें, इसका कौन सा राइटिंग स्टाइल ले रहे हैं, आप रेगुलर ले लें इसके, और यहाँ से इसका साइज ले लें, उसको क्लिक करके ओके कर लें, तो अपने हिसाब से इसको जैसा चाहिए आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये होते हैं फॉन्ट्स के चेंज का। अब इसमें कुछ कमांड जैसे अनडू, जैसे किसी भी एक्शन को आपने परफॉर्म किया इस फाइल में रहते हुए अब उसको रिवर्स कर पाए तो आप अनडू कमांड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया अनडू, ये देखें जो मैंने अभी एक्शन परफॉर्म किए थे वो सारे क्या हो गए, तो रिवर्स हो गए।
अंडू बोला। अब मैं दोबारा अगर अंडू की कमांड करूंगा तो ये अंडू की कमांड को रीडू कर देगा, दोबारा से परफॉर्म कर देगा। ठीक है, अच्छा चले अभी इसको करते सेव और उसको करते क्लोज। एक दूसरी फाइल खोलते हैं और उसमें जाके मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया इस तरह से माउस की मदद से और मैंने बैक स्पेस दबाया कीबोर्ड से, ये डिलीट हो गया। अब क्योंकि डिलीट हो गया वापस किसे आया, तो करंट स्टेट में आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई चीज डिलीट हो गई, तो वापस लाने के लिए भी आप उसको कमांड यूज कर सकते हैं। कौन सी? अंडू। अंडू जैसे ही करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो बेहतरीन किस्म की कमांड है मैं कहूंगा वो है अंडू। यानी कि हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज को अंडू नहीं कर सकते, जो अभी एक सेकंड, दस सेकंड, जो बीस सेकंड या गुजर गए हमारे, हमको वापस नहीं ला सकते। कंप्यूटर में जो भी एक्शन आपने परफॉर्म किए, जो भी कमांड आपने परफॉर्म की, जो भी काम किया, उन सबको आप अंडू भी कर सकते हैं। और अंडू करने के बाद आपको मिस्टेक हो जाए या गलती से अंडू हो गया तो वापस से रीडू नहीं कर सकते, बाय प्रेसिंग अंडू। तो ये अंडू कमांड इस तरह से काम करती है। फिर आते हैं कॉपी पेस्ट कमांड के ऊपर। अब जैसे पहले हमने फोल्डर्स को देखा कि कॉपी किया, फाइल को कॉपी किया, पेस्ट को, इस तरह आप टेक्स्ट को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कैसे? आइए एक और फाइल बनाते हैं, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर फाइल बनाई टेक्स्ट फाइल और उसका नाम बता कॉपी पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट के नाम से जो फाइल बनाई इसका लिख रहे हैं आप, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, एडविन ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर हिज बाइक्स लेजी डॉग। ठीक है, इस सेंटेंस को मुझे 10 दफा यहाँ पर टाइप करना है भाई। अगर टाइप करना है तो मुझे 10 दफा इंटर करना है, फिर से शुरू कर देना है, फिर आगे टाइप कर देना। ठीक है, तो ये टाइप होना चला जाएगा और उसके बाद जो है अब ये काम करने में मुझे 10 सेकंड्स है, तो शायद हो सकता है कि 1.5 मिनट लग जाए, लेकिन उससे भी जल्दी अगर मुझे ये काम करना है तो इसके लिए मुझे कॉपी पेस्ट करना है। कैसे? माउस के लेफ्ट बटन की मदद से आप होल्ड करेंगे और ऐसे करके इसको सेलेक्ट करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करेंगे और इसको राइट टू लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे, या फिर यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करेंगे लेफ्ट वाला बटन और उसको राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये सेलेक्ट हो जाएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा सेलेक्ट हो गया? तो वो एरिया ब्लू हो जाएगा। उसके बाद आप एडिट में जाके इसको क्या करेंगे? कॉपी। अब जब कॉपी कर दिया तो इसकी मेमोरी में कॉपी हो गया तो दिखाई नहीं देगा। अब हम सिलेक्शन को खत्म करेंगे, यहाँ कहीं भी कर्सर को एड पे क्लिक कर देंगे, कर्सर में लाइन चेंज करने के लिए एंटर का बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड से। तो देखिए कीबोर्ड से लाइन बन जाए, कर्सर की पोजीशन को हमने सेट कर लिया, अब कर्सर की पोजीशन यहाँ पे सेट हुई। अब एडिट पे जाके एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे पेस्ट को, देखे जो आपने कॉपी किया था सेम नीचे पेस्ट हो गया। अब इसी काम को दोबारा से पोजीशन को सेट करें एंटर करके और फिर जाके इसको एडिट में जाके क्या करेंगे? पेस्ट। फिर एंटर दबाएं, पोजीशन को रीसेट करें और फिर यहाँ से करेंगे पेस्ट। तो एक दफा कॉपी किया, बार बार पेस्ट होता जा रहा तो मेरा काम फास्ट हो गया। और फास्ट करना है तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से लेके यहां तक और नीचे की तरफ भी सिलेक्ट कर लूंगा और फिर एडिट में जाके क्या करूंगा? कॉपी, और फिर यहां पे क्लिक करके एंटर करके मैं इसको करूंगा पेस्ट। तो देखिए और फास्ट हो जाएगा ये ऑपरेशन और मुझे अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं एक दफा और भी सिलेक्ट कर लेता हूँ फिर कॉपी कर लेता हूँ और इस तरह मैं इसको जो काम मुझे करना था वो मुझे 1.5 मिनट में हो रहा था वो मैं सेकंड्स में कर लूंगा। ठीक है, ना सिर्फ इतना कि मैं सिर्फ इसको इसी फाइल में पेस्ट कर सकता हूँ, बल्कि मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। कॉपी तो मैंने किया हुई है, मैं यहाँ से कंप्यूटर कॉपी वाली फाइल खोलता हूँ, यहाँ से कर्सर की पोजीशन को सेट करता हूँ और यहाँ पे जाके एडिट में जाके इसको पेस्ट करता हूँ। तो देखिए वही डेटा यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा। तो एक दफा जो भी आइटम आप कॉपी करेंगे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, चाहे वो एक लाइन है, चाहे वो एक वर्ड है, एक लेटर है, कुछ भी है, उसको एक दफा कॉपी करेंगे तो मेमोरी में एक ही चीज होल्ड रखता है कंप्यूटर अंटिल अनलेस जब तक कि आप दूसरी चीज को कॉपी ना कर लें। मतलब अभी तो ये सब कॉपी था, अगर मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ब्राउन को कॉपी कर लिया तो पिछला डेटा मेमोरी से लॉस हो जाएगा और जब भी मैं पेस्ट करूंगा तो जो लास्ट मैंने कॉपी किया होगा आइटम वही पेस्ट होगा, यही मेरा कॉपी पेस्ट का काम है। अब चलते हैं कट पेस्ट की तरफ। कट पेस्ट क्या करता है? शफलिंग करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को शफल करना। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया ब्राउन को, ब्राउन को जाके मैंने क्या किया कट, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया लेजर वाइट किया है और यहाँ कर्सर भी उसको पेस्ट कर दिया ग्राउंड चला गया और व्हाइट को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से किया इसको मैंने कट और यहाँ क्लिक किया के रखिए मैंने उसको एडिट में क्या कर दिया पेस्ट। तो देखिए इस तरह से कट पेस्ट से डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो, ना सिर्फ एक ही फाइल के अंदर बल्कि हम क्या करते हैं यहाँ से अंडू को सिलेक्ट किया और क्या किया कट, ये टेक्स्ट कट हो गया, इसको सेव कर दिया। अच्छा बाजू का ये एरर आपके सामने आएगा कंफर्मेशन का, तो इसका मकसद ये है कि आपने अपनी फाइल को सेव नहीं किया तो कह रहा है कि आप क्लोज करना चाह रहे हैं, सेव करके क्लोज करेंगे या बगैर सेव के क्लोज करेंगे या भी कुछ नहीं करना चाह रहे, तो अभी कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो फिर हमने कहा सेव कर लो भाई,
फेल हो गया। अब इसे क्लोज कर दे। अब एक दूसरी फाइल खोल दे कीबोर्ड की, जो मैंने वहां से कट किया था मैं यहाँ पे लाकर भी उसको इजिली पेस्ट कर सकता हूँ। एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है, एक फाइल से सेम फाइल में कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है, एक फाइल से दूसरी फाइल में कट पेस्ट भी किया जा सकता है और सेम फाइल में भी कट पेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास दो कमांड्स हो रहे हैं जिनका नाम है फाइंड और रिप्लेस। अब यहाँ पर हम आते हैं इस फाइल के ऊपर कॉपी पेस्ट कमांड करते हैं और हम अपनी फाइंड कमांड को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए फाइंड कमांड कैसे काम करेगी। फाइंड में मैंने क्या होता है सर्च करना, F-I-N-D, फाइंड, फाइंड मींस सर्च। आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं अपनी फाइल्स में, इसमें कितनी लाइंस है, काफी सारा डेटा है, आपको टाइम लग रहा है, तो कंप्यूटर से आपको हेल्प ले लेंगे। कैसे लेंगे? एडिट में जाएंगे, सबसे पहले अपने कर्सर की पोजीशन को यहाँ फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम पे सेट करेंगे। एडिट में जाएंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड की कमांड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे कहेगा कि भाई क्या सर्च करना है। तो यहाँ पर अपने फाइल वगैरह खोल लेते हैं, आपको जूम कर देता है। फाइंड कमांड आपको दो तरह से हेल्प करेगी। अगर कोई वर्ड आप सर्च करना चाह रहे हैं तो उसमें आप टाइप करेंगे, अगर जो वो आपके फाइल में वर्ड है, लेटर है, वर्ड है, पैराग्राफ है, जैसे टाइप करेंगे और फाइंड करेंगे तो ये सर्च करके बता देगा जहां जहां आ रहा होगा सर्च करने जाएगा। ठीक, अगर चे दोबारा से सिर्फ और कर्सर की पोजीशन शुरू में सेट कर, अगर चे वो वर्ड नहीं है, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा सपोज टू बी ह्यूमन और मैंने लिखा फाइंड, तो ये हमें बता देगा कांट कैन नॉट फाइंड ह्यूमन, मतलब नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको सर्च करने की जरूरत ही नहीं, मतलब इसे बता दिया नहीं है, इसका मतलब वो इसमें टाइप ही नहीं है, चाहे इस फाइल में एक लाइन है हजारों लाइन लिखी, आपको एक सेकंड में रिजल्ट आपको करके देंगे। अब इसकी कुछ कंडीशन है, मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कर्सर यहाँ रखें, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या रख रखी है डाउन, तो ये सर्च करना चलेगा शुरू करेगा ऊपर से नीचे। तो जैसे अभी हम इसको सर्च करते हैं ब्राउन, तो ब्राउन और सब कह रहे हैं फाइन, तो ये सर्च कर लेगा, करते रहे ये नीचे चला जाएगा। अब नीचे जा रहा है, देखिए फाइंड करता और चले जाए नीचे। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया फाइंड करता हुआ, फाइंड। अब ये क्या कह रहा है आपसे, कैन नॉट फाइंड ब्राउन। अब आप कहेंगे सर ये ब्राउन लिखा हुआ है सर्च क्यों नहीं कर रहा, तो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि नीचे और ब्राउन नहीं है, ब्राउन ऊपर है। तब आपको डायरेक्शन इसकी क्या करनी पड़ेगी, अगर आपकी कर्सर की पोजीशन मिसाल के तौर पे यहाँ है तो सर्चिंग डायरेक्शन आपको रखनी पड़ेगी। अब ये नीचे से लेके ऊपर सर्च करे, अब देखिए दोबारा सर्च करेगा, देखिए आ रहा है नीचे से ऊपर। अब जैसे टॉप पे पहुंचेगा फिर आपको कह देगा ये, तो डायरेक्शन का ख्याल आपको रखना है कि ऊपर से नीचे सर्च करना है या नीचे से ऊपर, इसका तायुन आप करेंगे कैसे, कर्सर की पोजीशन को सेट करके। दूसरा इसके अंदर मैच केस, अब ब्राउन लिखा हुआ है मैंने क्लिक किया फाइंड कर लिया ब्राउन और नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि डाउन डायरेक्शन ही फाइंड कर। अब आप दूसरी कंडीशन देखो, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ब्राउन लिखा कैपिटल में BROWN, ब्राउन ठीक है, और चेक लगा दिया मैच केस पर। किस पर चेक लगा दिया, मैच केस। केस किसे कह रहा है, ये जो राइटिंग आप देख रहे हैं छोटी ABC लिखी हुई है इसकी केस है, और बड़ी बीसी इसका अलग केस है। आप फाइंड ने इस पे क्लिक किया, फाइंड टॉप पे कर्सर पे रखा हुआ है, मैच केस पे चेक लगाया डायरेक्शन राइट, फिर भी कहेगा कैन नॉट फाइंड। क्यों नहीं फाइंड करा, क्योंकि आपने कंडीशन और एड कर दी है भाई ब्राउन फाइंड करना है जो कैपिटल में लिखा हुआ है, कैपिटल में भाई लिखा हुआ नहीं सही है, इसलिए नहीं कर रहा। कंडीशन हटा दें तो फॉरन सर्च कर लेंगे, ओके करता हूँ कंडीशन हटा दे तो सर्च कर लेंगे सही। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कब करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ कहीं बीच में आपने ब्राउन कैपिटल पे लिखा है और आप सिर्फ उसी को सर्च करना चाह रहे हैं, छोटे वालों को नहीं चाह रहे, तो आप कैसे करेंगे, तो कैपिटल में ब्राउन लिखा, मैच किस किया, फाइंड किया, देखो अभी कह रहा है नॉट फाइंड, तो कर्सर की पोजीशन को सेट करके और अब देखें। तो इस तरीके से हम मैच किस का भी सबका ले सकते हैं। ठीक है, अब फाइनल जो हमारी आखिरी कमांड है वो है रीप्लेस। रीप्लेस क्या करता है, तो एडिट में देखिए रिफाइंड के बाद दूसरी कमांड है हमारे पास रीप्लेस। ये क्या काम करेगी, देखिए रीप्लेस कमांड का बहुत अच्छा काम है और ये बड़े बड़े प्रॉब्लम का एक सलूशन है। ठीक है, अभी मैं मैच केस पे ला रहा हूँ, यहाँ पर ब्राउन काफी बार आया है, व्हाइट काफी बार आया है, लेजी काफी बार आया है, डॉग काफी बार आया। अब डॉग जितनी बार भी आया है मैं डॉग को चाह रहा हूँ यार ये डॉग की जगह पे कुछ और लिखा हुआ आ गया, क्या आ जाए, पैरो। तो एक तरीका तो ये है कि आप जाए टॉप को मिटाए और पैरो, एक तरीका ये है कि आप अपने कर्सर की पोजीशन को टॉप पे रखें और इसको कहें कि भाई जहां भी डॉग लिखा है सर्च करो, सर्च करेगा।
और उसकी जगह पे लिख दो पैरट, PARROT, पैरट। स्पेलिंग मैच होनी चाहिए डॉक्टर, फिर इससे कहें फाइंड करो, ये फाइंड करें और जहां पर आपको रिप्लेस करना है वहां रिप्लेस करें। अब जिसको करना है भाई ये नहीं करना तो आप फिर अगला करते हैं फाइंड टेक्स्ट, ये करना है ठीक है, ये नहीं करना ठीक है, फिर जिसको करना है वो रिप्लेस करता जाए। और एक तरीका ये है कि आप सारे डॉग को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो एक नीचे कमांड दी गई रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल, ऑल माने सब, ऑल माने सब, तो कैसे करेंगे तो सारे पैरो डॉग जो है पैरो के। अब इसी तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि दोबारा पैरट को डॉग में कन्वर्ट करना है तो पैरट को क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे सेंस स्पेलिंग के साथ और डॉग को नीचे लिख देंगे इस तरीके से, और क्या करेंगे रिप्लेस वन बाय वन करना है तो रिप्लेस पहले फाइंड करेंगे फिर उसको रिप्लेस करेंगे और सबको एक साथ कर देना है तो रिप्लेस और ना लिखे ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब अच्छे यहाँ पे एक और चीज आ गई, ये वाले जो ए है सारे जो ए सिंगल ए लिखे रहे इनको कैपिटल ए में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे रिप्लेस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे कहेंगे यार ये जो स्मॉल ए लिखा हुआ है स्पेस के साथ उसको कन्वर्ट कर दो कैपिटल ए में स्पेस के साथ, रिप्लेस कमांड को लेके ये वाला और ये वाला ए दोनों कन्वर्ट हो गए आपकी इसके अंदर कैपिटल ए में, तो ये हो गई आपकी रिप्लेस ठीक है। तो ये हो गई हमारी कौन सी कमांड, हो गई अंडू भी हो गई, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट भी हो गई, डिलीट भी हो गई और फाइंड और रिप्लेस भी हो गई। सिलेक्ट ऑल क्या काम करती है, सिलेक्ट भाई जैसे मिसाल के तौर पर मुझे एक वर्ड सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट हो गया माउस के बटन से, पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है, अब सारा ही सिलेक्ट करना है चाहे वो एक लाइन है एक हजार लाइन है सबको एक साथ सिलेक्ट करना है, एडिट में जाकर क्या करेंगे सिलेक्ट और फिर उसके बाद आपके पास सारी चॉइसेस है, आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, आप कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे उसको डिलीट कर दें कुछ भी हो जाए ठीक है, डिलीट कर दें गलती हो गई वापस से रिवर्स कर लें अंडू कर लें, इस तरह से। तो ये अपना हमारा डॉट पैड में हमने देखा फाइल से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन थे, इन सारे ऑपरेशन को आप समझते हैं और यही सारे ऑपरेशन आपको तमाम सॉफ्टवेयर में सेम मिलने वाले हैं, अगर आपकी इनकी अच्छी प्रैक्टिस अच्छी ग्रिप है तो आपको तमाम सॉफ्टवेयर में आने वालों में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगी।